ये है CP3 पंप, बॉस का, जिसको CP3 पंप बोलते हैं। ये महिंद्रा प्लाजो का है। ये इसके अंदर पार्ट नंबर है 0445020101। ये महिंद्रा प्लाजो का, इसको मैं इसके अंदर बताता हूँ। इसके अंदर हमको क्या क्या चेक करना रहता है। इसका वाल है, देख सकते हैं, इसका वाल है, प्लंजर वाल जिसको बोलते हैं। इसको किस तरह चेक करना है मैं ये पूरा बताता हूँ, किस तरह फिटिंग करना है, इसको किस तरह चेक करने का है। और इसके अंदर जो पीछे अपना यहाँ पे अपना हाई प्रेशर लाइन लगता है, जो रेल के अंदर लगता है, इसको किस तरह चेक करना है, तीनों तीन चीज़ चेक करना रहता है। इसको कैसे चेक करना है मैं इसके अंदर वीडियो के अंदर बताता हूँ। तो सबसे पहले हमको फिटिंग क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये हमारा हाई प्रेशर जहाँ पे लाइन लगता है, जो कॉमन रेल के अंदर लाइन लगती है, कॉमन रेल की लाइन इसके अंदर लगती है पंप में। इसके अंदर यहाँ पे एक बॉल आता है, देख सकते हैं, एक बॉल इसके अंदर आता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बॉल डालना है। स्प्रिंग भी रहता है, कई बार क्या रहता है बॉल कट जाता है, ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है, इसको चेक कर लेना है। स्प्रिंग भी कई बार कट जाता है, स्प्रिंग भी चेक करना है। उसके बाद बॉल डालने के बाद हमको सीधा खाली इसके अंदर लगा देना है। इसको लगाने के बाद इसको हम हल्का टाइट करेंगे। इसको टाइट कर लेना है, सिंपल, कुछ हमको कुछ भी लगाना नहीं है। सबसे पहले हमको इसको टाइट करना है, ठीक है। इसको टाइट करने के बाद इसको टेस्टर पर लगाना है अपना, जो इधर गया, ये हमारा इधर से, ये हमारा टेस्टर है जो सादा इंजेक्टर वाला चेक करते हैं इसके, ये है। तो इसका लाइन, मेन लाइन हमको इसके अंदर लगा देना है, पंप के जो हाई प्रेशर लाइन है इसके अंदर हमको इसको लगा देना है। इसको लाइन लगाने के बाद इसको हमको एक प्रेशर बनाना है 250 बार तक का, इसके अंदर 250 बार तक का प्रेशर बनाना है। ये प्रेशर हमको काटा देखना है, 250 बार लॉक खुला होना चाहिए। 250 बार प्रेशर बनाने के बाद इसको चेक करना है, स्लो स्लो उतरना चाहिए, और जैसे स्लो स्लो उतर रहा है इसको ऐसे ही उतरना चाहिए। कई बार इसके अंदर बॉल ख़राब हो जाएगा, इसकी सीट ख़राब हो जाती है, इसके अंदर जो सीट लगा रहता है, बॉल लगा रहता है, वो ख़राब हो जाता है। तो ये प्रेशर फटाफट जल्दी नीचे उतर जाता है, और नीचे उतर जाता है गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आने लगता है। तो हमको इसको गाड़ी चालू स्टार्ट बराबर होगी, उसके बाद मिस फायर करके बंद हो जाती है गाड़ी, वाइट स्मोक दे के बंद हो जाती है। तो ये चीज़ हमको खास चेक करना है इस तरह से। तो इधर जो दूसरे तीन भी लगे हैं, तीन प्लंजर रहता है, इसके अंदर तीनों तीन जगह पे दिया हुआ है। ये तो हमारा लाइन कॉमन रेन में लगता है, और दूसरा यहाँ पे दो है, इसके अंदर भी यही वाला निकाल के हमको यहाँ पे लगा के चेक कर लेना है। तो तीनों तीन को हमको चेक कर लेना है, ठीक है, इसी तरह से चेक करना है। अभी हमारा इसका चेक हो गया, नीचे का बॉल हमने चेक करने का बता दिया कैसे चेक करना है। उसके बाद सबसे पहले इसको जब हम ओपन करेंगे, इसको पंप को खोलेंगे, तो सबसे पहले जो है, जो सिलेंडर से निकलता है, मतलब जो नंबर से निकलता है, वहाँ पहले थोड़ा सा मार्क कर लो। यहाँ पे हमने दो नंबर कर दिया है, तीन नंबर कर दिया है, यहाँ पे एक नंबर कर दिया, इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद हमको उस हिसाब से रखना है, एक नंबर कौन सा है, दो नंबर कौन सा है, तीन नंबर कौन सा है, ठीक है, एक दूसरे का अल्टी पल्टी नहीं करना है। तो अब ये हो गया, ये भी वाल भी है, वाल भी हमारा टेस्टर के ऊपर चेक हो जाता है, इसके अंदर लगा के वाल भी टेस्टर पर चेक हो जाता है, वो भी कभी मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल अभी मैं बताता हूँ इसको फिटिंग करना है अपने को। तो अब इसको फिटिंग करने के लिए मैं बता दूँ कैसे फिटिंग करना है। तो ये इसका वाल है, ठीक है, ये इसका वाल है, इसको वाल के वो सीधा हम इसको अंदर यहाँ फिट कर देंगे। इसका इसकी सीट बनी रहती है, इसके अंदर इसकी सीट है, तो इसको हम इसके अंदर फिट कर देंगे, फिर तो सीधा लगाएंगे। ये लग गया, उसके बाद इसका नट है, इसके ऊपर सीधा इस नट लग जाता है, 45 का बिट लगेगा। ये हमको इसको टाइट करना है, फिलहाल ऐसे थोड़ा टाइट करो, बाद में फुल टाइट कर देंगे इसको। अभी हमारा दो नंबर है, तो दो नंबर के अंदर हमारा ये दो नंबर है, दो नंबर को भी इसको हमको इसके अंदर लगा के इसकी सीट चेक कर लेना, हमको इसकी सीट ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है, सीट साफ़ होना चाहिए।
इसको सही से लगा के इसको हम टाइट कर लेंगे। इसी तरह से सबको तीनों तीन हमको टाइट कर लेना है। अभी हमने इसको तीनों तीन वाल को लगा के फुल टाइट कर लिया। फुल टाइट करने के बाद हमको ये इसका पिन प्लंजर है, ठीक है। सो प्लंजर हमारा एक नंबर का है, तो एक नंबर में हम इसको, हमारा एक नंबर है, इसको चेक करना एकदम फ्री होना चाहिए। ये देखो हमारा एकदम फ्री होना चाहिए और ये पूरा एकदम वैक्यूम बनना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर वैक्यूम होना चाहिए पूरा। तो इसका ये WD-40 है हमारे पास, WD-40 मान लो या साफ डीजल डाल लो। साफ डीजल डाल के हम इसको इसके अंदर देख सकते हैं आप कैसा वैक्यूम कर रहा है। देखो इसके अंदर ऐसा पूरा वैक्यूम करना चाहिए, पूरा पंप पकड़ना चाहिए अपना। देखो अभी अंदर चले गया, ये पूरा वैक्यूम करना चाहिए। ये देखो एकदम पूरा ऐसा वैक्यूम करना चाहिए, ये हमारा पूरा वैक्यूम कर रहा है। इसी तरीके से हमको तीनों तीन चेक कर लेना है, तीनों तीन अपना अपना प्लंजर डाल के जिसका जो प्लंजर है उसको चेक कर लेना है, पूरा वैक्यूम करना चाहिए। अगर वैक्यूम करा तो हमारा ये प्लंजर यहाँ का जो वाला बराबर है, ठीक है। तो तीनों तीन चेक कर लेना है। उसके बाद ये देखो हमारा दूसरे नंबर में हमने लगा दिया है, ये दूसरा नंबर ही हमारा पूरा वैक्यूम कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा हमारा वैक्यूम कर रहा है। ये हमारा तीसरा नंबर लगा दिया हमने, तीसरा नंबर भी एकदम पूरा वैक्यूम कर रहा है, देख सकते हैं। इस तरह से हमें तीनों तीन फ्री कर लेना है, ठीक है। हमको हमको ये तीनों तीन प्लंजर फ्री कर लेना है, पूरा वैक्यूम बनना चाहिए हमारा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ये अंदर ये रिंग रहता है, इसके अंदर यहाँ पे रिंग लगता है, जो कि इसकी सीट ख़राब ना हो जाए इसके लिए यहाँ पे लगता है, यहाँ पे इसके ऊपर चलता है, कैम इसके ऊपर चलता है। तो ये रिंग हमको यहाँ पे लगा लेना है, वो अपनी पोजीशन में बैठेगा, गलत बैठेगा ही नहीं। ये याद रहे हमको, ये जो फ्लैट साइज है वो अंदर को रहना चाहिए, ये साइज ऊपर रहना चाहिए, ये वाला जो डिजाइन है ऊपर रहना चाहिए। ये गलत नहीं बैठेगा, अपनी जगह बैठेगा। ऐसा दूसरा एक इधर आएगा, इसके प्लेट पे आएगा, यहाँ पे एक दूसरा एक लगा रहता है, ये हमारा पूरा लगा हुआ है तो निकाला नहीं हमने। ये लगने के बाद हमारा अब हमको वाल फिटिंग करना है, ठीक है। तो एक नंबर हमारे पास ये है, तो इसको सबसे पहले स्प्रिंग लगेगा इसके अंदर। स्प्रिंग लगाने के बाद स्प्रिंग लगाने के बाद ये हमको ये पिस्टन इसके अंदर लगा देना है। देख सकते हैं पिस्टन हमने लगा दिया, ठीक है। पिस्टन लगाने के बाद एक कवर लगाना है हमको इसका, एक हमारा पिस्टन लग गया है। उसके बाद हमको इसके ये हमारे पास ये है, इसका पुलर है जिसको प्रेस करने खोलना रहता है। ये पुलर रहेगा तभी आप इसको CP3 पंप खोल सकते हो, नहीं तो नहीं खोल सकते हो। तो अभी हम इसको इसके मदद से इसको यहाँ पे दबाएंगे। इसको हमको ऐसे यहाँ पे लगा देना है इसके ऊपर, उसको लगाने के बाद यहाँ पे इसको इसे टाइट कर लेना है। यहाँ से हम इसको टाइट करें तो पूरा अपने को अंदर अंदर चले जाएगा। हमको इसको पूरा टाइट कर लेना, ठीक है। पूरा टच हो जाएगा यहाँ पे, तो पूरा टाइट कर लेना। इसी तरीके से हमको दूसरे दो है, इसको भी हमको पूरा टाइट कर लेना है। हमने अभी तीनों तीन क्लैंप लगा लिया, ठीक है। तीनों तीन हमारा इसके अंदर पिस्टन लग चुका है। तो पिस्टन लगने के बाद इसके बाद हम इसको, ये हमारा कैम है, इसके अंदर ये जो इसके अंदर वो है पूरा इसके अंदर ही असेंबल रहता है, कैम के अंदर ही रहता है। इसको हम सीधा इसके अंदर लगा देंगे। देखो इसके अंदर लग गया ऐसा फ्री है, ठीक है। ये लगने के बाद हमको एक एक करके इसको धीमे धीमे खोलना है। और ये धीमे धीमे हमने खोल लिया इसको, इसको धीमे से ऐसे छटकाना है। ये देखो एक नंबर, ये तीन दो नंबर हमारा निकल चुका है। इसी तरीके से हमको दूसरे दो भी निकाल लेना है। हमारा दो तीसरा भी हो गया।
ये हमारा पहला। तो हमारा तीनों लग चुका है, अब ये पूरा हमारा घूम रहा है। अभी हमारा ये प्लंजर फिटिंग हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसका रिंग वगैरह लगाएंगे, रिंग लगाने के बाद इसके ऊपर का कवर लगाएंगे। इसका रिंग है, ये देख सकते हैं, इसके अंदर हमने रिंग लगा दिया है। ये तीनों दिन हमारा लग चुका है, पांच रिंग आता है टोटल इसके अंदर। एक साइड में तीन रहेगा, बाकी एक साइड में, दो साइड में एक एक रिंग रहता है। ये लगाने के बाद हमारा यहाँ पे एक रिंग लगेगा। ये रिंग लगा के हमको थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ऑयल हमेशा यूज़ करना है, ग्रीस नहीं यूज़ करो। हमको यहाँ पे ऑयल लगा देना है। उसके बाद ये प्लेट है, ठीक है। प्लेट भी हमारा उल्टा नहीं बैठेगा, हमको ध्यान रहे। इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर तीन होल है। जो साइड तीन होल वाला है उसको हमको इसके ऊपर रख देना है, और जो सिंगल होल वाला है, तो सिंगल है, एक इधर है एक इधर है, ये दो होल वाला है, सिंगल स्पेस पे रख देने का है, ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा। ये इसके अंदर भी एक रिंग रहता है, ये आपको नहीं निकाला तो चलेगा, ख़राब हो जाता तो निकालने का। इसके अंदर रिंग रहता है, उसको भी ऊपर भी ऑयल लगा लो, कटे वटे नहीं। उसके बाद सिंपल हमको इसके ऊपर लगा देना है। इसे ये देखो एकदम एकदम प्यार से बैठ गया है, तो पूरा हमारा असेंबल हो गया। अभी ये पूरा बैठ गया है, तो बैठने के बाद उसके ऊपर हम यहाँ पे इसका स्क्रू लगा देंगे। तो देख सकते हैं, दो दो स्क्रू दोनों साइड में लगेगा, तीनों साइड में दो दो स्क्रू लगेगा। हमारा स्क्रू लग गया है, ये 30 नंबर का स्क्रू है, ठीक है। 30 के बिट से हमको टाइट कर लेना है। तो हमारा यहाँ 30 नंबर का बिट लगता है, इसको हमको टाइट कर लेना है। सबको बराबर पहले टाइट कर लो, उसके बाद फुल टाइट करना है, नहीं कि एक साइड में ज़्यादा टाइट कर लिए, एक साइड में कम टाइट है। उसको हमको पूरा 6 बोल्ट पूरा एक हाथ से टाइट कर लेना है। अभी ये पूरा टाइट हो गया, उसके बाद हम इसको फुल टाइट करना है। हाथ से टेंडर की मदद से इसको टाइट कर सकते हो। ये हमारा ये पूरा टाइट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट में बचा है हमारा ये यहाँ पे सप्लाई पंप, जिसको वैन पंप बोलते हैं। वैन पंप हम यहाँ पे इसको टाइट करेंगे। अब हमको यहाँ पे इसका सप्लाई पंप लगाने का, ये इसका सप्लाई पंप है। यहाँ पे एक रिंग लगता है, सप्लाई पंप के ऊपर भी यहाँ पे ऑयल सील लगता है, जो इसको यहाँ पे लगा पकड़ के रखता है। तो हमको सिंपल ये लगा लेना है, लगाने के बाद इसको हमको इसके ऊपर लगा देना है। ये हम इसका लग गया है, और इसको हम यहाँ पे, ये भी 30 नंबर का स्क्रू है, 4 बड़े स्क्रू हैं, इसको टाइट कर देना है। तो चारों चार लग गया हमारा। तो हमको इसको टाइट कर लेना है। तो ये हमारा पंप पूरा असेंबल हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हमको CP3 पंप असेंबल करना है। जितना भी CP3 पंप आता है इसी तरीके से खुलता है। इस उसके अंदर यही टूल इसके अंदर यूज़ होता है, CP3 पंप के अंदर। हर जितना CP3 पंप आए इसको इसी तरीके से फिटिंग करना है, और इसका जैसे मैं बताया इसके अंदर वैक्यूम होता है, ऐसा वैक्यूम होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमको सब फिटिंग करना है, ठीक है। इसका प्रेशर वाल है, ये चेक कर लेना है, फ्री होना चाहिए। ये भी हमारा एकदम फ्री होना चाहिए। इसके अंदर भी थोड़ा हमको ऑयल डाल देना है, उसके बाद इसको फिट करना है। ऑयल लग गया, ऑयल लगा, इसको थोड़ा फ्री कर लेना है ऑयल से। उसके बाद इसको यहाँ पर लगा देना है, इसको भी
पंप है, इसको हमने यहाँ पे चेक कर लिया है पूरा, इसको पूरा हमने यहाँ पे चेक कर लिया है और इसका रिपोर्ट है। इसका टेस्टिंग वीडियो मैं दूसरे वीडियो में चेक करके अपलोड किया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसको पंप को कैसे चेक करना है और कौन सा रीडिंग किसका रहता है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं।